एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। साइज 3.2 का प्रोटीन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 का बी। ओके अपने स्पीकर प्लीज ऑफ कर लेना, जिस जिसको पूछना हो वही ऑन करेगा बस। क्वेश्चन, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। द फर्स्ट टाइप बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड 30,000 अमाउंट इन टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000। तो ये सेकंड पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट में इसका एक पार्ट में कर चुका हूं 1800 वाला। तो 30,000 को दो ऐसे बॉन्ड्स में, दो ऐसे अमाउंट्स में बांटना है कि एक पे 5% इंटरेस्ट मिले और दूसरे पर 7% इंटरेस्ट मिले और टोटल इंटरेस्ट एनुअली 2000 हो जाए उसका। मतलब कितने 30,000 को कितने कितने पैसे में बांटा जाए, कितने कितने रुपए में बांटा जाए कि उनका जो है एक पर अगर 5% इंटरेस्ट मिल रहा हो और दूसरे पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा हो तो टोटल उसका 200 सम हो जाए। तो इसको मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि हम इस तरह से मान लें, लेट फर्स्ट बॉन्ड इज ऑफ एक्स रुपीज और सेकंड को मान लें कि ये अब टोटल तो 30,000 है तो सेकंड बॉन्ड हमारा 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि एक मैट्रिक्स बना लो, एक मैट्रिक्स ऐसे बना ली मैंने एक्स 30,000 माइनस एक्स। अब जहां ना समझ में आया बोल देना है। ये किसकी है, ये जो बॉन्ड पे मैंने पे किया जितने का खरीदा है बॉन्ड वो है। और दूसरा है हमारा 5/100 और 7/100। ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 1x2 की, 1 row 2 column और ये 2 rows 1 column है। और कितना हमको सम चाहिए, 2000 चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जरूर ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हो वो इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अब ये पहली चीज है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 1x1 दैट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट, जिसमें कि केवल एक एलिमेंट होगा, तो हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। मान लेते हैं इसको उल्टा लिखोगे या इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या होगा, ये 2x2 की 4 elements की मैट्रिक्स बनेगी, तब इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। कंपेरिजन बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर यही रखना पड़ेगा। अब इसका रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड विद 7/100 इक्वल्स 2000। इसको हम देखेंगे तो 5x प्लस 5x हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दिख रहा है ये देखो, ये हो जाएगा -2x प्लस 5x माइनस 7x दैट इज -2x।
और इधर हो गया 2 लाख, और माइनस में 2,10,000। अगर इसकी वैल्यू देखें तो आएगी -10,000। एक्स इक्वल्स 5,000, इसकी वैल्यू 5,000 हो गई। तो पहला बॉन्ड हमारा हो गया 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड इज 5,000 और 30,000 माइनस एक्स, दैट इज 25,000। अब जहां ना समझ में आ रहा पूछ लो। अब्दुल, अब्दुल यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूछ सकते हो। सर एक्स की वैल्यू 25,000 निकला है। एक्स की वैल्यू 5,000 निकला है, 25 नहीं निकला है। देखो इधर इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसकी जो वैल्यू निकली है देखो, यस सर, ये है 5x माइनस 7x, दैट इज माइनस 2x हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 लाख और माइनस में 2,10,000 हो गया। तो वैल्यू आएगी -10,000, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा x की वैल्यू आएगी 5,000। x की, अब हमारे पास दो बॉन्ड मैंने बनाए थे, एक था x का, एक 30,000 माइनस x का था। x मीन्स हो गया 5,000 और 30,000 माइनस 5,000 करोगे तो 25,000 आएगा। तो दो बॉन्ड हमारे हो गए, एक 5,000 का और एक 25,000 का। x की वैल्यू 5,000 आई है। yes. अब यहाँ पे इसमें किसी स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही तो पूछ लो। नो सर, समझ में आ गया। उस दिन मैंने लास्ट डे पे हमने ट्रांसपोज समझा था, सिमेट्रिकल और इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स समझ ली थी, और इसकी थ्योरम एक समझ ली थी। थ्योरम नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रहा था तभी पीरियड ओवर हो गया था। एक बार थ्योरम नंबर 2 फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, any square matrix can be expressed as sum of symmetrical and skew symmetrical matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं। अब जैसे ए मैट्रिक्स है, सपोज ए को हमने लिख दिया ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश। अगर हम ऐड करेंगे तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a आएगा, और उस वैल्यू को a में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से एक बार देखो कितना पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं इसे। थ्योरम नंबर 1 में a प्लस a डैश इज द सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर हम a प्लस a डैश और a माइनस a डैश का एडिशन करते हैं तो a डैश से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 2a आएगी। इस 2a को a में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/2 रख दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने पर मैट्रिक्स में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब जो उसका नेचर है वो बना रहता है, ऐसा नहीं कि जो ट्रांसपोज है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये सिमेट्रिकल रहेगी और ये स्क्यू सिमेट्रिकल रहेगी। तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो सभी एलिमेंट में होता है, इसलिए उसका जैसा नेचर है वो वैसा ही बना रहा है। फिर 1/2 बाहर कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 हमने जब किया तो ये सिमेट्रिकल पार्ट हो गया पूरा, ये इसको सिमेट्रिकल पार्ट हो गया।
ये ए के इक्वल हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल प्लस एस क्यू सिमेट्रिकल इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये पार्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है हमारा, ये और ये। इस पर क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि कोई मैट्रिक दे देगा उसको सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना होगा, तो ये करना होगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बन जाएगी, और इसी तरह से ए माइनस ए डैश उसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन, ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। कमांड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ट्रांसपोज निकालना है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सपोज इट इज ए मैट्रिक्स 5 1/2 -1, इट इज 3×1, 3 रो 1 कॉलम, इसका ए ट्रांसपोज लिखना है, कन्वर्ट हो जाएगा 1 रो 3 कॉलम 5 1/2 -1, 1 रो 3 कॉलम हो गया। जैसे इसका थर्ड पार्ट, सपोज इट इज सी मैट्रिक्स -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज लिखना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 5 6 √3 5 6, फिर 2 3 -1, इट इज ट्रांसपोज ऑफ सी, ये सी का ट्रांसपोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 3 एक जैसे हैं, तो एक हम कोई एक पार्ट करेंगे जो बताओ कर। कौन सा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में? कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? तो अब ये ए ट्रांसपोज ही लिख रहा है, ए मैट्रिक्स नहीं पता है उसका ट्रांसपोज पता है, और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 3 रोज 2 कॉलम, और बी पता है मुझे, बी मैट्रिक्स इज -1 2 1 1 2 एंड 3, इसका एक पार्ट हम सॉल्व करते रहे चाहे जो भी फर्स्ट पार्ट, क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की एडिशन प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर किसी भी ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज ले लें तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अब जैसे ये है ए ट्रांसपोज, अब इसका मैंने डबल ट्रांसपोज कर लिया, मतलब रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो फर्स्ट रो, अब ये पूरी जो कॉलम है वो रो बन गया, 3 -1 0 हो गया और 4 2 1 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, 3 2 रोज 3 कॉलम, और ये क्या होगा, ये हमारा ए होगा, इट इज अवर ए By the rule, by the property of transpose, transpose, हम जानते हैं कि double transpose
उसी मैट्रिक्स को फिर से रिप्रेजेंट कर देता है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, इसकी क्या है, ये ए प्लस बी है, पहले ए प्लस बी निकाला जाए। तो व्हाट इज द ए हियर, दिस एंड बी इज दिस, तो ए और बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 - 1 दैट इज 2, -1 और 2 1, 0 and 1 1, 4 and 1 5, 4 and 2 and 2 4, and 1 and 3 4, again 3 plus 3 plus 3 and -1 that is +2, 1 2 plus +2 and -1 that is 1, and 1 plus 0 1 5 4, +1 that is 5, and 2 plus 2 4, and 3 plus 1 4, it will be a plus b, और इसका ट्रांसपोज लेना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज दिख रहा है, इट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज हो गया, दिखेगा नहीं, टू वन वन, पहली रो को पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 5 4 and 4। अब इसका ऑर्डर देखो तो क्या आएगा, इसका ऑर्डर है 3 cross 2, 3 rows 2 column, और ये है 2 rows 3 column, ये है सॉरी 2 rows 3 column, ये है 2 rows 3 column, और ये 3 rows 2 column, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी। इन द सेम वे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज पता है मुझे, और इसका बी ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, तो व्हाट इज द बी ट्रांसपोज, बोर्ड छोटे होने से दिक्कत हो जा रही है, बी ट्रांसपोज दिख रहा है, बी ट्रांसपोज, यस सर, -1 2 and 1 1 2 and 3, therefore right hand side is a transpose plus b transpose, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a transpose यहाँ पे है, b transpose ये है, एड करेंगे corresponding element, 3 - 1 that is 2 plus 2, फिर 1 plus 4 5 2 plus 2 - 1 that is 1, and 2 plus 2 that is 4, 1 plus 0 1, and 3 plus 1 it is 4. It is also order of 3 cross 2. You can see that left hand side equals right hand side. LHS equals RHS. ऐसा ही सब्ट्रैक्शन वाले में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा है, एक ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो, हो गया सर, हो गया सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम करना है, ए ट्रांसपोज दिया है, बी दिया है, और ए प्लस बी, ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज निकालना है। तो पहला काम ये करना है कि ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज ले लेना है, तो ए आ जाएगा हमारा, और बी वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 भी मिल जाएगा, फिर ए और बी को एड करके उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। चलो कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना, नहीं होता भी बता देना। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए प्लस ए इनटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यही प्रॉपर्टी है, इसका वेरिफिकेशन पूछ रहा है।
इसको वेरीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिक्स दिए हैं ए, 1-4 एंड 3, इट इज ऑर्डर ऑफ 3x1, 3 rows 1 column। बी 1-2 and 1, 1 row 3 column। अब ए बी होल ट्रांसपोज लिख सकते, तो हम पहला काम करते हैं इनका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1-4 and 3, 1 cross 3, और बी ट्रांसपोज होगा 1-2 and 1, इट इज 3 cross 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड एलिशियस, ये ए बी होल ट्रांसपोज है, तो पहला हम काम ये करें कि ए बी निकाल लें। व्हाट इज द ए बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम होता है, तो अब ये किस ऑर्डर का बनेगा, 3 cross 3 बनेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 4, फिर 8-8, और फिर हो गया -4, -3, +6 and +3। ऑर्डर देखो तो 3x3 दिख रहा है। अब इसका ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए, ए बी का ट्रांसपोज, तो रो कॉलम इंटरचेंज हो गई, दिख रहा है इधर कहां तक, -1, 2 and 1, 4-8 and -4, -3, 6 and 3, ये हो गया ए बी होल ट्रांसपोज। और दूसरा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहले B है फिर A है, तो इसकी रो और इसका कॉलम, तो ऐसा -1 विद दिस B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, इसका इसके मतलब ये रो के फॉर्म में, ये -1 with 1, -1 with -4, -1 with -3 ऐसे आता जाएगा, तो -1 with -4 that is -4, -1 with -4 that is 4, -1 with 3 that is -3, -2 with -2 with 1, -8 and -2 with -3 that is 6, फिर 1 with 1, 1 with -4, -4 and 1 with 3। यू कैन सी हियर ए बी होल ट्रांसफर। सर ये क्या बोलो, ये कैसे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 into 1 का होगा ना, कहाँ 1 into 1, जी 1 into 1 हुआ, ये यहाँ पे आया, 2 into -4 हुआ यहाँ पे, 1 into -4 हुआ, फिर 1 into 3 हो गया, देखो कैसे करना है, -1, 1 ये हो गया -1, -1, -4 यहाँ लिख दिया 4, -1, 3, -3। अब ये समझ लो ये वो नहीं कह रहे हैं सर, ए ट्रांसपोर्ट का जो ऑर्डर है 1 cross 3 और बी ट्रांसपोर्ट का जो ऑर्डर है 3 cross 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर 1 cross 1 का होगा ना, किसका, बी पहले रखा है तुमने ना, ये पहले है ये बाद में है, ऐसा लिखा है बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट। तो अब क्या ऑर्डर आएगा, ये 1, 1, 1 मल्टीप्लाई हो गया, 3 cross 3 हो जाएगा, तो 1 और 1 सेम हो गया ना, ऑर्डर क्या आएगा 3 cross 3 आएगा। ऑनलाइन क्लास में सबसे चैलेंजिंग मैथ ही पढ़ाना है, क्योंकि बोर्ड छोटे सबकी दिक्कत,
दो क्वेश्चन नंबर इसी तरह इसका सेकंड पार्ट कर लेना, एकदम सेम पैटर्न पे है, कुछ करना नहीं। जिस तरह से ये क्वेश्चन किया है सेम वे में तुमको सेकंड पार्ट इसका कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यस सर हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होती एकदम फ्रेंकली बता देना सर ये नहीं समझ में आया हमको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा तिबारा कई बार जितनी बार तुम्हें नहीं समझ में आएगा हम समझाते रहेंगे। लेकिन एक बार जो क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाए उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज विद ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो अब ए दिया हुआ इसमें जैसे कॉस अल्फा, इसका फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, 6 का फर्स्ट पार्ट, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज रो कॉलम इंटरचेंज हो गई, कॉस अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब इसको मैं ये ले रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए डैश विद ए, ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, आगे लिख सकता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, रो कॉलम तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन ईयर माइनस साइन ईयर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये निगेटिव साइन यहां पे गया तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये कॉस अल्फा विद माइनस साइन अल्फा दैट इज माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यस सर ये वैल्यू वन हो गई, 1 0 0 1 वन दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी रूल होता है कि किसी भी ट्रांसपोज में अगर उसकी उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। दो क्वेश्चन नंबर 7 आई सपोज इट इज इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट, खाली ट्रांसपोज लिखना है, ये सिमेट्रिकल प्रूव करना है। तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, सिमेट्रिकल प्रूफ हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में इसको सिमेट्रिकल प्रूफ करना है, जब दूसरे वाले पार्ट में ट्रांसपोज करोगे तो उसके बाद जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तब ये इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मतलब दूसरे वाले पार्ट में पहले ट्रांसपोज लेना है उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है तब ये इस वैल्यू के इक्वल होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए होता है, तो वो कंडीशन वहां पे अराइज करेगी। और दूसरी चीज है कि इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का डायगोनल जीरो होता है, देखो यहाँ दिखा रहा है सेकंड पार्ट में, सेवेंथ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा, बोल दो सेकंड पार्ट एक बार बताइए सर। तो सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में पहली चीज है कि डायगोनल जीरो दिख रहा है, देख लो ये सबका सारे एलिमेंट जीरो है सेकंड पार्ट में डायगोनल। और दूसरा चीज है कि जब इसका ट्रांसपोज लोगे
तो ट्रांसपोज लेने के बाद जब माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तभी इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए होता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये ए की वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, या बोल सकते हो ए इक्वल्स माइनस ए ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज लोगे उसको माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो वो पहले वाली मैट्रिक्स के इक्वल बन जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा क्या है ए इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिकल है, ये सेकंड पार्ट की बात है। थर्ड वाला है ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दिखाना है कि सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल है। तो इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज एड करोगे और उसके बाद फिर ट्रांसपोज लोगे सेम मैट्रिक्स आएगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे और उसका ट्रांसपोज लोगे तो विद नेगेटिव साइन वो